18 मार्च से आयोजित होने वाले थार महोत्सव के पोस्टर विमोचन शनिवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु ने किया। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि इस बार थार महोत्सव बड़े शानदार और भव्य रूप में मनाया जाएगा। थार महोत्सव के दौरान लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। थार महोत्सव के पोस्टर के विमोचन के दौरान कई अधिकारी और लोग उपस्थित रहे। जिले में लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थार महोत्सव 2023 समारोह का भव्य आयोजन 18 मार्च से किया जाएगा। शनिवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह पुरोहित, पद्मश्री अनवर खान, थार श्री विजय गर्ग, थार सुंदरी चंचल जांगीर द्वारा थार महोत्सव 2023 पोस्टर का विमोचन किया गया। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने शनिवार को थार महोत्सव समारोह के दौरान आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न उद्यमियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग की अपील की। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि थार महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में 18 मार्च को प्रातः 8 बजे बाड़मेर के गांधी चौक से शोभा यात्रा के साथ होगा, जिससे प्रातः 10 बजे आदर्श स्टेडियम पहुँचने पर कैमल टैटू शो और रोचक मुकाबले होंगे। साथ ही थार सुंदरी, थार श्री, दादा पोता दौड़, पति पत्नी दौड़, पनिहारी मटका दौड़, रस्साकसी और साफा बांधो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इसी कड़ी में दोपहर 1 बजे तिलवाड़ा पशु मेले का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें घुड़दौड़ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा, तथा 5:30 बजे आदर्श स्टेडियम में स्थानीय कलाकार द्वारा गैर नृत्य प्रदर्शन तथा रात्रि 9 बजे विराट कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। इस विराट कवि सम्मेलन में डॉक्टर कुमार विश्वास या अन्य ख्यातनाम कवि अपनी कविता का पाठ करेंगे। 18 से 20 मार्च तक राजस्थान सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा राजस्थान संस्कृति महोत्सव एवं थार महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार की मंशा है कि जो यहाँ के स्थानीय लोक कलाकार हैं, जो विश्व विख्यात हैं और जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको हम यहाँ मौका दें। इसी मंशा के अनुरूप हमने इस बार जो कार्यक्रम रखा है, आप देख सकते हैं, हमने अलग अलग जिले में अलग अलग जगह कार्यक्रम रखे हैं और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक मौका मिले और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो खान पान है, पहनावा है, वेशभूषा है, उसको हम किस तरह से डिस्प्ले कर सकें, उसको किस तरह से हम टूरिस्ट को दिखा सकें, ताकि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको ला सकें। इसी को लेकर ये प्रयास है, उसी के लिए अलग अलग इवेंट्स रखे गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि 18 तारीख को शोभा यात्रा से शुरू होकर और 20 तारीख को शाम को महाबार के रूम्स पर सांस्कृतिक कार्यक्रम से ख़त्म होगा, जिसमें हमने अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं। जैसे यहाँ के खाने पीने को दिखाने के लिए हमने जयपुर राजस्थान को एक इवेंट रखा है। अलग अलग लोक कलाकारों को मौका देने के लिए तीनों ही दिन हमने म्यूजिकल इवनिंग्स रखी हैं। एक दिन विराट कवि सम्मेलन रखा गया है, साथ ही ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता है, तिलवाड़ा पशु मेला जो ऐतिहासिक पशु मेला है उसको इसका हिस्सा बनाया गया है, उसमें घुड़दौड़ भी इसमें शामिल की गई है। फर्स्ट टाइम यहाँ कैमल टैटू शो होगा। थार महोत्सव के दूसरे दिन 19 मार्च को मांडना, रंगोली, मेहंदी और रूमाल छपटा प्रतियोगिता तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही भगत सिंह स्टेडियम बालोतरा में म्यूजिकल नाइट तथा चौटन व शिव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भजन संध्या का आयोजन के साथ 3 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश पचौरी, व्याख्याता ओम जोशी समेत कई अधिकारीगण उपस्थित रहे।